मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तुमसे भीख मांगती हूँ। आपको शर्म नहीं आती? मैंने सब सुन लिया सर। हाँ सब सुन लिया मैंने, आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छे वाले घर की लग रही है और मंदिर के बाहर खड़े होकर भीख मांग रही है। सब साहब गलत समझ रहे हैं। भीख मैं गलत नहीं समझ रहा। देखिए अगर आपको कुछ मांगना ही है तो जाके पापा से मांगिए, वो किसी को नाराज नहीं करते। चलो खाना चलो। प्रसाद तो लिया नहीं ना? सर मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं तुम वहां खड़ी रहो, मैं लेके आता हूँ। सर मैं लेकर आती हूँ अंदर। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम वहां खड़ी रहो, मैं लेके आता हूँ। सर जल्दी आएगा। जाओ रोड के उस पार। अर्जुन ने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। तुम्हें इतना इग्नोर कर रहा है पर तुम फिर भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो। पूर्वी मेरी मानो तो जल्द से जल्द कनाडा चली जाओ, यहाँ जितना रहोगी उतना हर्ट होती रहोगी। भैया आप नरेंद्र सर आए यहाँ पर? नहीं है मैडम। कहाँ चले गए नरेंद्र सर? आप एक काम कीजिए, वहां ढूंढिए जाके, मैं ढूंढती हूँ यहाँ पर। ऐसा क्यों कर रहे हो? पूर्वी का प्यार बगैर तकलीफ के उसे कुछ नहीं दे सकता। उसे मुझसे नफरत करना सिखा दो पापा। ऐसा मत करो उसके साथ। मानसी मानसी नरेंद्र सर आए क्या यहाँ पे? तेरे साथ ही गए थे ना मंदिर, वो यहाँ नहीं आए? नहीं क्या हुआ ताई? वो मुझे बोल के गए कि मैं प्रसाद लेकर आता हूँ और वो पता नहीं आए नहीं वापस, तो मुझे लगा घर पे वापस आए होंगे। ताई तूने देखा ना पागल आदमी से शादी करने का? प्रशांत प्लीज, ताई ऑलरेडी परेशान है। मैम वो नरेंद्र सर। तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो, क्या हुआ? मैम नरेंद्र सर खो गए। कहाँ है नरेंद्र? नरेंद्र कहाँ है? अंकिता मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं कि उसको एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना? तुमने उसे जाने क्यों दिया रौनक? मैम क्या हुआ, क्या हुआ रुशाली? नरेंद्र कहीं चला गया, पता नहीं कहाँ खो गया है। मतलब मैम मैंने आपको पहले ही कहा था ना ये लड़की किसी काम की नहीं है। रोज इसकी शादी करा के ना सबसे बड़ी गलती करी आपने। रौनक जो शट अप ओके, ये टाइम अंकिता की बुराइयां निकालने का नहीं है। पुलिस को फोन करो प्लीज। पर अर्जुन देखना पापा सब ठीक कर देंगे, तुम्हें ठीक कर देंगे, पूर्वी को तुम्हारी लाइफ में वापस ले आएंगे। नहीं प्रॉमिस कर रही हूँ अर्जुन। नहीं ओवी, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी जिंदगी में वापस आए और मेरे लिए वेट करे। कहीं कल को मुझे कुछ हो गया तो। अर्जुन तुम क्यों बोल रहे हो ऐसे और तुम क्यों सोच रहे हो इतना? तुम बाहर कब गई? बाहर से कहां से आ रही हो? मैं रूम में तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूं। कहां थे सर? साहब मुझे मंदिर के बाहर ऐसे ही छोड़कर आ गए। मतलब मैं आपका वहां इंतजार कर रही थी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ हाँ मंदिर के बाहर। अरे हाँ हाँ वो पापा का मंदिर ना। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? गाड़ी तो तुमने वहीं पर छोड़ दी थी। मैं अपनी गाड़ी लेके गया था ड्राइवर के साथ, मुझे लगा मैं ऐसे ही गया हूँ और इसलिए टैक्सी में वापस आ गया। नरेंद्र को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है अंकिता, जो कुछ भी हुआ उसे सब कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखना जरूरी है। तू इंडिया जाके मुझे बिल्कुल भूल गई है, एक फोन करने की फुर्सत नहीं है। नहीं पर ये ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझे आई तेरे साथ वहाँ इतना कुछ हो गया, तू उस आदमी से मिली, तूने उसके साथ रहने का फैसला कर लिया लेकिन मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। वो तो आज ही अगर मुझे नहीं बताती तो आई तेरी गृहस्थी, तेरा प्यार, तेरा रिश्ता, इस सब में मैं कहीं नहीं आती ना। एनीवेज इट्स ओके, तू उस आदमी के पास जाना चाहती है और वो तेरे पास। फेयर इनफ, कांग्रेचुलेशन। बेटा तू मेरी बात तो समझ। अच्छा चल ठीक है, अब लेट आ रही है तो मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके आ। अच्छा आई एक और बात, प्लीज आज के बाद मुझसे कुछ मत छुपाना। इट रियली हर्ट्स मी। हाँ बेटा और तू भी एक बात हमेशा याद रखना कि तेरी आई तुझसे बहुत प्यार करती है, और तेरी आई के प्यार के आगे चाहे कोई बात सच हो या झूठ हमेशा छोटी है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ परी। लव यू बेटा, बाय।